एक दिन अपने घर पे जगराता करवाया, अच्छे अच्छे कलाकार भी बुलवाए, और कलाकार बुलवाने के बाद उसने कहा भाई एक भजन मैं भी गाऊंगा। तो कलाकारों ने कहा कि अगर आयोजक गाए तो अच्छी बात है, गाइए। तो उस भक्त ने एक भजन गाया। आज आप सब जागरण में बैठे हुए हो। अच्छा, मेरा एक प्रश्न है, आपने अनेकों जागरण देखे होंगे, सुने होंगे। साथियों, क्या कोई भक्त मुझे प्रेम पूर्वक बता सकता है कि जागरण की परिभाषा क्या होती है, जागरण का मतलब क्या होता है, जागरण का फायदा होता है या नुकसान होता है? कोई बात नहीं। क्यों आप नहीं बता पा रहे, मैं इसका कारण भी बता दूं, क्योंकि संभवतः आज से पहले संभवतः किसी कलाकार ने आपको पूछा ही नहीं होगा कि जागरण का मतलब क्या होता है। आइए साथियों, जागरूक, जागरण का मतलब होता है जागरूक हो जाना। अगर कोई विद्वान अपनी बात आकर के बताता है तो उन बातों को चिंतन और मनन करके ग्रहण करना और अपने जीवन में अपनाना, जिससे हमें सद्बुद्धि मिले, अच्छे संस्कार मिले, खाटू वाले का प्यार मिले। और अगर संस्कार सद्बुद्धि मिल गई और बाबा का प्यार मिल गया तो फिर समझो जीवन में सब कुछ मिल गया। वो भक्त भी यही कहता है। एक बहुत सुंदर सा छोटा सा मेरा भजन है। देखिए, दो प्रकार के भजन होते हैं, बताओ कौन सा सुनाऊं। एक भजन तो होता है जिसमें शब्दों की कोई पहचान नहीं होती, बस ये नक्काड़े ढोलक ये जोर जोर से बजते रहते हैं और गाने वाला गाता रहता है, दो चार लोग नाचते रहते हैं लेकिन शब्द समझ में नहीं आते। और दूसरी प्रकार ये है कि जिसमें एक एक शब्द रह रहे के दिल को चुभे, अच्छा समझ में आए, ज्ञान मिले। तो दो प्रकार के भजन होते हैं, बोलो कौन सा सुनना पसंद करोगे, जरूर आप जवाब जरूर देना। दूसरा नंबर जो बताया आपका बहुत बहुत है। ये सुनने लायक भजन है, मैं सुना रहा हूं। बोलिए, खाटू नरेश की जय, शीश के दानी की जय। जो आदमी भी दो ही प्रकार के होते हैं, भजन भी दो ही प्रकार के होते हैं, आदमी भी दो ही प्रकार के। दो प्रकार के क्यों कह रहा हूं, एक होते हैं नास्तिक और एक होते हैं आस्तिक। नास्तिक का मतलब समझा दूं, जिन्होंने अपने आप को भगवान बनाने की कोशिश की। इतिहास उठा के देखिए, चाहे रावण हो, चाहे कंस हो, जरासंध हो, कोई हो, उनका नाश हो गया। और जिन्होंने भगवान में आस्था रखी उनका इतिहास हो गया, उनका इतिहास बन गया, इतिहास के पन्नों पे हैं। तो नास्तिक नहीं, मैं ज्यादा हाथ खड़े करवाता भी नहीं, लेकिन एक बे तो आपकी जय कमजोर रह गई थी, एक बे दोनों हाथ खड़े गए, एक जयकारा लगा दीजिए फिर दोबारा नहीं कहूं। जो खाटू वाले को मानता है, माँ बाप को मानता है, शंकर भगवान, वो हाथ खड़े कर जरूर करिएगा। दो ही हाथ खड़े करना, कभी तीन कर दो। जी हाँ, ए साफी वाले करिए। हाँ, खाटू नरेश की जय। क्या बात है, बहुत बहुत सलूट, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब सुनिएगा, अब आपके जयकारे से मेरी भी गर्मी देखिएगा। श्री शीश के दानी ने, जिसने जागरण करवाया था वो खुद गाने लगा और इतना अच्छा गायक बन गया। भजन देखिए, श्री शीश के दानी ने मुझको अपनाया है, एक बार और बताना। जो जो खाटू नगरी गए हैं वो एक पे हाथ खड़े करिएगा, फिर वो मेरे साथ जरूर गाना। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर अब जरूर गाना जो गए हैं, क्योंकि आप भी बाबा के भक्त हो, मैं भी बाबा का भक्त हूं और ये सब बाबा के भक्त बैठे हैं। और जो नहीं गए हैं ना, जो नहीं गए हैं वो दुआ करें, हम सब दुआ करें कि अगले राउंड में वो जरूर जाएं। श्री शीश के दानी ने, मैं जब बताऊंगा जब तालियों का नंबर आएगा रिदम के साथ, श्री शीश के दानी ने मुझको अपनाया है। और वो भक्त कितने अच्छे ढंग से कहता है, रास्ते से
रास्ते से उठा करके सीने से लगाया है, रास्ते से उठा करके सीने से लगाया है, श्री शीश के दानी ने मुझको अपनाया है, रास्ते से उठा करके इसके जो शब्द हैं वो मेरे दिल पे चोट करते हैं, मैं थोड़ा सा बताऊंगा। ना कर्म ही अच्छे थे ना भाग प्रबल मेरा। भाइयों एक निवेदन करना चाहता हूं, जो खाटू वाले की जोत अपने घर में जलाते हैं, मुझे 20-22 साल का अनुभव है, अब इसे चाहे ज्यादा मान लीजिए थोड़ा मान लीजिए, और कह वो सकता है जो खुद नियमों का पालन करे। मैं जब से प्रभु की शरण में हूं, मैं आपको यकीन विश्वास के साथ कह सकता हूं, मेरे पूरे परिवार में इतना सा भी कोई नशा नहीं करता। मेरी तो बात छोड़िए, मेरे पूरे परिवार में मेरी जितनी फैमिली है। हे खाटू वाले के अनन्य भक्तों, अगर इस जागरण को शुद्ध स्वरूप करना चाहते हो और आप चाहते हो खाटू वाला आपको भी अपना ले, तो देखो भगवान इतना पागल तो है नहीं कि दारू का पौआ पी के कोई यहाँ जाए और उसे भी खाटू वाला अपना लेगा। इतना पागल ईश्वर नहीं है, इतना पागल भगवान नहीं है। लेकिन भाइयों बहनों, शुद्ध अंतःकरण से अगर परमपिता परमेश्वर खाटू वाले के चरणों में हाजिरी लगाओगे तो इसे दयालु कहते हैं, शीश का दानी कहते हैं, कलयुग का अवतार कहते हैं। दोस्तों इसने बड़े बड़े की नाप को पार किया है, हम और आप तो उसके अनन्य भक्त हैं, भोले भक्त हैं, तो हमारी नैया को जरूर पार कर देगा। मेरे निवेदन पे जो खाटू वाले को मानता है या मानती है, अगर वो बीड़ी सिगरेट तमाकू गुटखा वगैरह वगैरह जितने नशे होते हैं बाकी मैं जानता नहीं, वो करता हो और आज संकल्प ले कि भाई साहब मैं आपकी बात मान के आज के बाद कोई नशा एक छोड़ रहा हूं या सारे छोड़ रहा हूं, मैं समझता हूं इन आयोजकों का सारा पैसा वसूल हो जाएगा। है कोई ऐसा माई कलाल जो नशाबाजी करता हो और आज छोड़ दे बाबा के दरबार में? इस भाई के लिए तालियां बजाइए। अच्छा एक मिनट और ले लूं, कमेटी बुरा ना माने, मैं आपको वायदा करता हूं, मेरा नाम नरदेव है, मेरा नंबर मोबाइल नंबर वहां पड़ा हुआ है। भाई साहब थोड़े दिन बाद, एक साल दो साल तीन साल बाद, अगर आप ये ना कहें मुझे कि हाँ भाई साहब आपने मेरा नशा छुटवा करके, क्योंकि मैं बाबा का दूत हूं, गाने वाला दूत ही होता है, संदेश जो देता है, पत्र जो देता है वो दूत ही तो होता है, तो मैं बाबा का दूत हूं और दोनों समय चाहे 5 मिनट ही करूं लेकिन भजन भी करता हूं। मित्र आपने मेरी बात को माना है, मैं अपनी समिति की तरफ से और अपनी तरफ से आपको बधाई देता हूं और भगवान से खाटू वाले से दुआ करता हूं, दो साल बाद कमेटी को मुझे फोन करके कहेगा कि मेरा जीवन बदल गया, खाटू वाले ने इतनी कृपा की। एक बार और तालियां और आइए भजन की तरफ चलते। बस मेरा यही जागरण है, लोग जितने बदल जाएं, जितने बाबा की शरण में जाएं, साथ अपना उतना ही कल्याण है। ना कर्म ही अच्छे थे ना भाग प्रबल मेरा, ना सेवा करी मन से तेरा नाम नहीं टेरा, वो ना सेवा करी मन से तेरा नाम तेरा तेरा, खाटू वाले का बढ़ापन है, खाटू वाले का बढ़ापन है, मुझे प्यार सिखाया है।
एक लाइन को याद कर लीजिए, आप भी याद कर लीजिए, लाइन है रस्ते से उठा करके सीने से लगाया है। और ये लाइन आपको अच्छी लगती हो तो एक बार तालियों से जरूर गाइएगा, अभी नहीं जब मैं कहूं। खाटू वाले का बढ़ापन है हमें प्यार सिखाया है, और अब रास्ते से उठा कर सीने से लगाया है, रास्ते से उठा करके सीने से लगाया है। किसी को छाया का घमंड हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। एक दो लाइन है, तेरी शक्ति के बिना हे प्रभु मंगल मूल, और पत्ता तक हिलता नहीं खिले ना कोई। मन चाही नहीं होती रे लोगों, हर चाही तत्काल बन जा। हम सोचते हैं नौकरी कल मिल जाएगी, ना मिले जीवन भर ना मिले, लेकिन जिस दिन बाबा की कृपा हो जाएगी उस दिन नौकरी घर चली, ऐसा ही है। तो इसलिए वो कहता है, बड़े सुंदर शब्द दिए हैं, जो कुछ हूं आज प्रभु सब तेरी मेहरबानी, जो कुछ हूं आज प्रभु तेरी मेहरबानी। अगर आपको भी लगता है कि जो भी कुछ हम पे है वो सब बाबा की देन है, तो तालियों से जरूर समर्थन करिए, गाइए मेरे साथ। जो कुछ हूं आज प्रभु सब तेरी मेहरबानी, सत सत प्रणाम तुमको, सत सत प्रणाम तुमको महाभारत के दानी, सत सत प्रणाम तुमको महाभारत के दानी, ओ सत सत प्रणाम तुमको महाभारत के दानी। तूने ही कृपा करके, तूने ही कृपा करके जीवन महकाया है, हे बाबा हम सब तेरी कृपा से जीवन महक रहा है, अच्छा परिवार चल रहा है, तो फिर तूने ही कृपा करके जीवन महकाया है, रास्ते से उठा करके सीने से लगाया है, वो रास्ते से उठा करके सीने से लगाया है। पूछने के लिए, आपने हजारों गायकों को सुना होगा, एक जगह एक दादी गाना गावे थी, मां मुरादें पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, गाना है। अच्छा मेरी आदत है किंतु परंतु लगाने की, मैंने कहा दादी मां मुरादें तेरी पूरी करे, बोले बेटा जरूर करेगी, मैंने कहा मुराद क्या है, तो एक गाना और भी है, मेरी 60 लाख की लॉटरी लगवा दे शेरा वाली।
अच्छा शेरा वाली इतनी पागल है क्या कि एकदम 60 लाख की लॉटरी लगवा देगी, या बाबा इतना पागल है? फिर वो दादी यही नहीं रुकी भाई साहब, उसने कहा मेरे छोरे का ब्याह हो जा, उस पे भी लड़का हो जा, उसका दसोटन भी हो जा, उसके भी बहू आ जा, उस पे भी लड़का होगा तब मैं मरूं। इतनी लंबी उम्र। और मैंने कहा और? बोले एक सोने की चेन हो, स्कॉर्पियो गाड़ी हो, बढ़िया कोठी हो। मगर दादी अगर इतना खाटू वाला या शेरा वाली मैया कर भी दे तो तू क्या करेगी? बोले गाने की दो लाइन और हैं, माँ मुरादें पूरी कर दे हलवा। अगर इतनी मुराद पूरी कर देगी तो 5 रुपए का हलवा। भाइयों बहनों ये बिल्कुल सिद्धांत के विरुद्ध है, कोई देवी देवता इतना पागल नहीं है जो 5 रुपए में इतना दे देगा। हाँ ये कभी मांगना भी नहीं चाहिए, कमेटी के लोगों एक चीज मांगनी चाहिए, याद रखना मेरी बात को, कि कोई छोटा सा व्यक्ति आया था बता के गया, हमेशा भगवान के दरबार में एक ही चीज मांगिए सब कुछ मिलेगा। क्या मांगनी है सुनिए। प्रभु रखना, प्रभु रखना संभाल मेरी ये मन न भटक जाए। प्रभु रखना संभाल मेरी ये मन न भटक जाए। और हे शीश के दानी ये काम और करना कौन सा? प्रभु रखना संभाल मेरी ये मन न भटक जाए। बस इतना, सभी गाना एक बार सुनने के बाद इस लाइन को, बस इतना ध्यान रखना, बस इतना ही ध्यान रखना, कभी दाग न लग जाए। वो बस इतना ध्यान रखना, कभी दाग न लग जाए। वो बस इतना ध्यान रखना, कभी दाग न लग जाए। अरे बाबा बदरंग नहीं हो जाए, बदरंग नहीं हो जाए, बदरंग नहीं हो जाए, जो ये रंग चढ़ाया है। किस किस पे खाटू वाले का रंग चढ़ा हुआ है आज बता दीजिए साथियों, दोनों हाथ खड़े करके तो कह दीजिए। अगर रंग चढ़ा हुआ है तो रास्ते से उठा करके सीने से लगाया है, रास्ते से उठा करके सीने से लगाया है। बात है चरणों की तरफ ध्यान करिएगा, जरूर करिएगा, शब्द आ रहे हैं आपकी हाजिरी लगेगी। एहसास है, आंख बंद करके एक बार मेरा निवेदन है जरूर कहिए, एहसास है ये मुझको चरणों में सुरक्षित हूं। एहसान एहसान बहुत तेरे भूले ना कभी नंदो, एहसान बहुत तेरे भूले ना कभी नंदो, एहसान बहुत तेरे भूले ना कभी नंदो। श्री श्यामा अमृत का, श्री श्यामा अमृत का,
रस पान कराया है, श्री श्यामा अमृत का रस पान कराया है, रास्ते से उठा करके सीने से लगाया है, रास्ते से उठा करके सीने से लगाया है, रास्ते